मेरा एक ही सवाल है, मुझे इसका जवाब दे दीजिएगा। राजौरी पुंछ में क्यों इंटरनेट सर्विसेज को बंद किया गया है? अगर सरकार यह समझती है कि जो एसटी का स्टेटस पहाड़ी कबीले के लोगों को दिया है वो डिसीजन उनका सही है, तो फिर राजौरी पुंछ के अंदर क्यों जो है वो इंटरनेट सर्विसेज को बंद किया हुआ है? क्यों राजौरी पुंछ के अंदर जो है वो इंटरनेट सर्विसेज को स्नैप कर दिया गया है? और क्यों ये इतला निकल कर आ रही है कि कई अलग अलग मुकामात के ऊपर जो है वो रिस्ट्रिक्शंस भी आयद कर दी गई हैं? हमारे पास ये इतला भी आई है कि जम्मू यूनिवर्सिटी के फ्रंट और बैक वाले गेट के ऊपर भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस रखी गई हैं। जो वहाँ पे गुजर बकरवाल स्टूडेंट्स तालीम हासिल कर रहे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना उठाना पड़ रहा है। और हमारे पास ये इतला भी आई है कि आज सुबह के समय से ही जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ बड़े नेताओं को भी जो है वो घर से निकलने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। इस तरीके की हमारे पास इतला भी आई है। मेरा एक ही सवाल है कि अगर राजौरी पुंछ में सब ठीक ठाक है तो इंटरनेट सर्विस क्यों बंद है? अगर राजौरी पुंछ में सब अच्छा चल रहा है तो इंटरनेट सर्विस क्यों बंद है? और हमें इसका जवाब दे दीजिएगा कि इंटरनेट सर्विसेज को क्यों बंद किया है? व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इट? क्या ये सिक्योरिटी कंसर्न है? क्या ये कोई और ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर इंटरनेट का बंद होना लाजिम है? क्या वहाँ पर नेटवर्क नहीं आ रहा है? क्या वहाँ पर मेंटेनेंस का वर्क चल रहा है? क्या वहाँ पर कोई रिपेयरिंग का काम चल रहा है? अगर कोई भी ऐसा एक्सक्यूज़ नहीं है, अगर कोई भी ऐसा रीज़न नहीं है, तो इंटरनेट सर्विसेज को राजौरी पुंछ में क्यों बंद किया गया है? क्या इस डर से बंद किया गया है कि राजौरी पुंछ के जो गुजर बकरवाल लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात में हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा जो है वो दुख पहुँच रहा है इस बात का कि उनके अधिकार को छेड़ा गया है, उनके अधिकार को छीना गया है, उनके अधिकार को जो है वो ज़बरदस्ती उनसे झपटा गया है? क्या इसलिए कि राजौरी पुंछ के अंदर इंटरनेट सर्विसेज को बंद करना ही लाजिम था? अगर इंटरनेट सर्विसेज को बंद नहीं करते तो शायद वहाँ पे जो रोल बैक की आवाज़ें हैं या वी वांट जस्टिस की आवाज़ें हैं वो पूरे मुल्क भर के अंदर सुनाई देती। मतलब ये कौन सा तरीका है सरकार का कि इंटरनेट सर्विसेज को बंद कर दिया गया? क्या जमहूरियत में ये आज़ादी नहीं होती है कि एक आम शहरी अपनी बात को रख पाए? क्या जमहूरियत में ये एक आज़ादी नहीं होती है एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एज़ पर द आर्टिकल्स ऑफ द इंडिया, जो हमें ये आज़ादी मिली हुई है कि हम अपनी बात को संविधान के मुताबिक और एज़ पर अवर फंडामेंटल राइट एंड एज़ पर अवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हम जो है वो डिलीवर कर पाएँ? देन व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इट कि राजौरी पुंछ के अंदर इंटरनेट सर्विसेज को स्नैप कर दिया गया है? क्यों, आखिरकार क्यों? राजौरी पुंछ का आवाम ये पूछता है, पूरा जम्मू कश्मीर ये पूछता है, गुज्जर पूछता है, पहाड़ी पूछता है, बकरवाल पूछता है, कश्मीरी भाई पूछता है कि इंटरनेट सर्विसेज को क्यों बंद किया गया है? हमें जवाब चाहिए, हमें इसका एक सॉलिड रीज़न चाहिए क्यों बंद किया है। क्या इंटरनेट सर्विसेज को बंद करना लाजिम था? क्या इंटरनेट सर्विसेज को बंद करना इसलिए लाजिम था कि वहाँ पे हालात जो हैं वो कशीदा हैं? क्या राजौरी पुंछ के अंदर हालात जो हैं वो ख़राब थे इसलिए इंटरनेट सर्विसेज को बंद करना ज़रूरी है, या फिर कोई और रीज़न हो सकता है? बट सबसे मेन इम्पॉर्टेंट और सबसे मस्ट ये है कि अगर सब ठीक है, सरकार की बात को मानकर चलते हैं कि अगर सब ठीक है, सब ओके है, तो इंटरनेट क्यों बंद किया हुआ? जनाब जम्मू में तो इंटरनेट चल रहा है, कश्मीर में इंटरनेट चल रहा है। कश्मीर तो वो इलाका है जहाँ पे पूरे सालों भर साल जो है वो इंटरनेट बंद रहता था, वहाँ पे आज इंटरनेट चल रहा है। राजौरी पुंछ वो इलाका है जहाँ पे शांति अमन, जहाँ पे नेशनलिस्ट लोग रहते हैं, जहाँ पे एक बहुत बड़ी नेशनलिस्ट फोर्स है, जो लोग अपने वतन से मोहब्बत करते हैं, आज उन्हीं लोगों के इंटरनेट बंद किए जा रहे हैं। क्या बीजेपी की सरकार से राजौरी पुंछ खत्ते के लोग खुश नहीं है? क्या बीजेपी के नेताओं के पास उनको जवाब देने के लिए कोई बात नहीं है? क्यों इंटरनेट बंद हुआ है? ये सबसे बड़ा सवाल है, ये सबसे बड़ा चर्चा का मुद्दा है। खबर ये नहीं है कि राजौरी पुंछ में इंटरनेट बंद कर दिया है, खबर ये है कि विद एक्सप्लेनेशंस हमें ये जानना है, हमारा ये राइट है एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, वी हैव टू नो कि व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इट यू स्नैप्ड इंटरनेट सर्विसेज। क्यों, आखिरकार क्यों? हमें इसका जवाब चाहिए, और मुझे नहीं चाहिए बल्कि मेरे साथ साथ लाखों की आबादी पर मुश्तमिल राजौरी पुंछ के फार फ्लंग इलाकों के बच्चों को चाहिए। उनकी क्लासेस ऑनलाइन इंटरनेट पे होती हैं, उनके बाकी सारे काम जो हैं वो इंटरनेट पे होते हैं। इस इंटरनेट को छीनने से आप क्या साबित करना चाहते हैं कि क्या इंटरनेट आप बंद कर देंगे तो आप एक फिरके, एक कौम की बात को दबा देंगे? आप एक कम्युनिटी के एक सेगमेंट को जो है वो दबा देंगे? और आप इंटरनेट को बंद करने से क्या साबित करना चाहते हैं कि क्या आप अपनी जीत, अपनी फतेह हासिल कर रहेंगे? अगर आपके डिसीजंस राइट हैं, अल्टीमेटली इफ बीजेपी थिंक कि उन्होंने जो अभी हालिया ही एक डिसीजन लिया पार्लियामेंट में, जो एक बहुत बड़ा बिल पास किया है, अगर वो सही है,
और वो उसके साथ जम्मू कश्मीर का हर आम शहरी खड़ा है, तो सर आपको इंटरनेट बंद करने की क्यों जरूरत पड़ी राजौरी पुंछ के अंदर? आपको क्यों राजौरी पुंछ के अंदर जो है वो इंटरनेट को मुकम्मल तौर पर बंद करने की जरूरत पड़ी? मुझे इस बात का जवाब चाहिए। दिस इज माई क्वेश्चन टू हायर एडमिनिस्ट्रेशन एंड हायर ऑफिशियल्स, गिव मी द रीजन। ये मेरा राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूँ। ये मेरा फंडामेंटल राइट है कि मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूँ, और आपको मेरे सवाल का जनाब जवाब देना होगा। इंटरनेट सर्विसेज को आपने बंद कर दिया राजौरी पुंछ में, क्या सोचकर बंद किया? कि क्या इसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, या फिर ऐसा है कि आपको जो मन में आएगा वही कर दोगे? आप राजौरी पुंछ में इंटरनेट की सर्विसेज को बंद कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? हमें जवाब चाहिए नौजवानों को, किन रीजन से कर रहे हो? अगर आपके डिसीजंस, अगर आपका एसटी का स्टेटस जो है वो दूसरी कम्युनिटीज को देना एक राइट डिसीजन है, तो आपको इंटरनेट बंद करना नहीं था। आपको मालूम होना चाहिए था कि आपके गुजर बकरवाल लोग आपके साथ कॉन्फिडेंस में, दे आर इन कॉन्फिडेंस। आपने उनको कॉन्फिडेंस में लेना था, आपने उनके ट्रस्ट, उनके यकीन, उनके एतमाद, उनके भरोसे को कायम दायम रखना था, बट आप नहीं कर पाए। सॉरी टू से यू अगेन, आप नहीं कर पाए, और आपको लगा कि शॉर्टकट तरीका है इंटरनेट को ही बंद कर दिया जाए। क्या मैं इसे ये मानूं कि ये एक तानाशाही है? क्या इसे मैं ये मानूं कि जो मन में आए वही करना है? क्या इसे मैं ये मानूं कि जो दिल चाहे वो करना है? क्या एक आम इंसान की बात का कोई यहाँ पे वजूद नहीं है? अगर आपको लगता है कि मैं सच कह रहा हूँ, तो दोस्तों इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करें, और आला हुकूमत तक ये पहुँचाने की कोशिश करें। खास रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।